शकुंतला जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़े ही धूमधाम से सीता देवी के बड़ी लड़की राशि से तय हुई। कुछ ही दिनों में शादी हो बहू राशि ने शकुंतला जी के घर कदम रखा। राशि एक ओर जहां मायके में घर की सबसे बड़ी लड़की थी, वहीं खुदा न खास्ता ससुराल में भी बड़ी बहू बन गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। शकुंतला जी का बेटा व्योम बैंक में कार्यरत था, तो उनकी बहू भी कहां बेटे से कम थी। पढ़ी लिखी बीएड है बीएड। घर के सभी नाते रिश्तेदार, मोहल्ले की महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। शकुंतला जी की तो किस्मत ही बुलंद निकल गई। जैसा नाम वैसा ही भाव, सुंदर, सुशील, शांत स्वभाव की हमारी बहू राशि शकुंतला जी खुशी से राशि की बलैया लेते हुए कही और उसके माथे को चूम ली। सभी बहू को देख तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। ये देख शकुंतला जी फूले न समा रही थी। बहू राशि का घर में चावल से भरे कलश गिरा के आगमन हुआ। कुछ देर तक तो रस्मों रिवाजों की घड़ी चलती रही, फिर शकुंतला जी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ राशि को उसके कमरे में ले जाने को कहा। राशि अपनी दोनों ननद अंकिता और भावना के साथ अपने कमरे में आ गई। राशि कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, बिल्कुल नर्वस, लेकिन दोनों ननद ने राशि के साथ जमकर ठहाके लगाए। परिवार के और भी बच्चे राशि के कमरे में ही आकर बैठ गए। समय बीतता जा रहा था। राशि रात भर की थकान से बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, ऊपर से भारी लहंगा। तभी शकुंतला जी आई और बोली, अरे तुम सब यहाँ क्या जमावाड़ा लगाए हो? अरे भाभी सदैव के लिए यहीं आई है, अब कहीं और थोड़ी जाने वाली। चलो निकलो, उसको भी आराम करने दो, भावना भाभी की मदद कर दो और लहंगा बदल कर बहू तुम थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी जी, राशि ने धीरे से जवाब दिया। सभी शकुंतला जी का आदेश पाकर कमरे से बाहर चले गए और भावना और राशि मिलकर लहंगे को बदल कर आराम करने को लेट गईं। भाभी इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया आपने? वही दखीलाल जी के यहाँ से, राशि ने जवाब दिया। बहुत ही मस्त है, मैं भी वहीं से लूँगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आंख लग गई राशि को पता ही ना चला। तभी राशि को किसी की आहट कमरे में सुनाई दी। राशि हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई, किसी तरह असहज तरीके से पलंग के एक किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति व्योम और उसके दोनों देवर पंकज और रूपेश खड़े थे। व्योम कुछ बोलते उससे पहले पंकज ने मजाक के रूप में हंसकर कहा, अरे भाभी इतना सम्मान दोगी ना तो दिन भर बस उठक बैठक से ही करती रह जाओगी। क्यों व्योम भैया? उन दोनों ने चुटकी लेते हुए भावना को जगाया। अरे वो मोटी उठ, शाम हो गई है, कितना सोना है। व्योम भी अपने सामान लेकर वापस से कमरे के बाहर चले गए। राशि अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी शकुंतला जी अंकिता उसकी छोटी ननद के साथ आई। अरे बहू आराम कर ली हो तो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म है। जी, राशि ने सिर हिलाकर जवाब दिया। शकुंतला जी जाते जाते अंकिता को सहेज गईं, सुंदर से सजा कर लाना अपनी भाभी ताकि सब लोग देखते ही रह जाएं। अरे मम्मी भाभी को क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही बहुत सुंदर है। राशि कुछ ही देर में चुनरी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई, सबके पैर छूकर वहीं बीच में बैठ गई। राशि को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो राशि चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने थाप सुना दी, थाप के साथ ही गुनगुना भी दी। सबने जमकर ताली बजाई, फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सभी राशि की तारीफ कर रहे थे, मगर राशि इतनी थक चुकी थी कि उसे ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उसको मुस्कुरा के जवाब देना और लगातार पैर छूना, उसके आज कमर ही टूट रहे हों मानो लगातार। जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुई, कुछ रिश्तेदार आज ही अपने घर को लौट गए। राशि भी अपने कमरे में आ गई। सबके चहल पहल के बीच वो पैर को सीधा करके लेट गई। तभी राशि की ननद भावना कमरे में आई और बोली, भाभी कल आपके एग्जाम है, और आंख मारते हुए बोली, ऑल दी बेस्ट भाभी, गुड नाइट। राशि कुछ समझती कि भावना दरवाजा बंद करके चली गई। रात को कमर दर्द से राशि इतना रोने लगी कि उसे घर की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पति देव व्योम की नींद खुल गई। क्या हुआ राशि,
राशि चुप होकर बोली, कुछ नहीं, बस हल्का कमर में दर्द है, लेटा नहीं जा रहा। क्या यहाँ आयोडेक्स या वॉलनी है? हाँ, मैं अभी देता हूँ। पतिदेव झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकालकर राशि की ओर बढ़ा दिए। राशि लगाकर फिर लेटी तो सो गई। अगले दिन राशि सुबह सुबह ही नहा धोकर नीचे आ गई। मंदिर में हाथ जोड़ कर वो 2 मिनट तक मम्मी जी को शांत होकर देखती रही। शकुंतला जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों की क्यारियों को ऐसे सींच रही थी मानो पूरे घर की देखभाल भी ऐसे ही की हो। पापा जी बाहर गार्डन में बैठकर पेपर की वॉट लगा रहे थे। सालों के पास खबर कम, अब विज्ञापन ज़्यादा रहता है। मौसा जी भी हाँ में हाँ मिलाए पड़े थे और एक साथ बैठकर चाय की चुस्की के साथ भड़ास निकाल रहे थे। तभी मम्मी जी की नज़र मुझ पर पड़ गई। अरे राशि बहू, तुम कब आई? सोई की नहीं ठीक से? मुझे लगा तुम भी भावना और अंकिता की तरह सुबह देर से उठती हो। बोलते हुए मम्मी जी मेरे नज़दीक आईं और हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की तारीफ बहुत सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वो मुस्कुराई। मैं चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिला दी। मेरा सिर हिलाना कि मम्मी जी ने झट से कहा, बहू आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहले रसोई के मीठे से ही होती है, जिससे परिवार में सदैव रिश्ता मीठा बना रहे। ऐसा करो, तुम हलवा या खीर बना दो। जी, राशि ने शकुंतला जी को सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी ननद भावना आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, चलिए आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। ये है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान, सूजी का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑल द बेस्ट भाभी। इतना बोलते हुए भावना किचन से बाहर चली गई। राशि बिल्कुल अकेले ही किचन में कुछ पल तो खड़ी थी, मगर मानो उसे लाइट भी चलाने ना आता हो। किसी तरह गैस जलाकर उसने जो ही कढ़ाई चढ़ाई, उन्हीं बीच शकुंतला जी रसोई घर में झांक कर बोली, अरे बहू घी कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना है। उनका इतना बोलना कि कढ़ाई में घी थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब क्या करूँ? सब क्या कहेंगे मुझसे? आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाई हूँ और यहाँ 10 लोगों का कैसे बनाऊँ? उसने अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए वापस से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई और फिर दूसरी तरफ हलवा। इतना सा करने में उसे आधा 1 घंटा लग गया। फिर दोबारा शकुंतला जी आई और बोली, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं? कोई मदद चाहिए तो बोलो, शकुंतला जी ने मुस्कुराते हुए बोला। अब मैं नई नबेली क्या बोलती भला किसी से कि मदद नहीं चाहिए, मगर 1 लोग तो यहीं रहिए। लेकिन ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है? राशि अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी भी काम नहीं किया है। हाथ शुरू में तो कांपने लगे, लेकिन फिर राशि पूरी हिम्मत के साथ किचन में खुद का माइंड मेकअप की और किसी तरह दोनों चीज़ें बनाकर तैयार कर दी। सासू माँ और दोनों ननद किचन में आईं और बोली, वाह क्या खुशबू है माँ। शकुंतला जी दोनों चीज़ बना देख खुश होकर बोली, अरे वाह, दोनों ही चीज़ बना दी? मुझे लगा पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। ये सब देख दिल प्रसन्न हो उठा। अच्छा अंकिता, भावना, दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सबके लिए प्लेट में हलवा और कटोरी में खीर निकाल दो। इन्हीं बीच शकुंतला जी ने अपने गले में डली हुई चैन को निकाल बहू राशि को पहनाते हुए बोली, ये खानदानी चैन है, मेरी सास ने मुझे पहली रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें। अब ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। राशि उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बहू, जाओ तुम ऊपर आराम करो, अभी भावना तुम्हें नाश्ता ऊपर ही पहुँचा देगी। जी, राशि सिर हिलाकर ऊपर आ गई। राशि का सारा दिमाग हलवा और खीर पर लगा था, ना जाने सबको कैसा लगा। पतिदेव व्योम राशि को देखकर बोले, अरे तुम्हारा दर्द कैसा है, अब ठीक है? हाँ, तो आराम करो, घूम क्यों रही? राशि 2 पल को व्योम को देखती रही और व्योम सीढ़ी से नीचे उतर आए। नीचे से सभी की आवाज आ रही थी, अरे वाह
क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया। तभी भावना आई और हलवा खीर लेकर बैठ गई और गाल को खींचते हुए बोली, लाजवाब बनाया है आपने। इतना सुन राशि मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुई राशि के जीवन का नया सफर, जिस पहले सफर में वो पास हो जाने से थोड़ी खुद को सहज महसूस कर रही थी। वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकल गया। तभी माँ ने बताया, बहू कल दावत है, तुम्हें सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना होगा। राशि मन ही मन सोची, 10-15 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन शकुंतला जी ने जब बताया कि कुल 25 लोग दावत पर आ रहे हैं हमारी बहू के हाथ का खाना खाने, ये सुनते राशि के होश उड़ गए। 25 लोग का खाना? फिर उसे लगा, जब इतने लोग आ रहे हैं तो सब उसके साथ मिलकर हाथ भी बटाएंगे ही। राशि पूरी रात इसी बात में उलझी रही कि इतने लोगों के लिए क्या बनाए वो। अगली सुबह राशि जब नहा धोकर के आई तो राशि मंदिर में हाथ जोड़कर ज्यों पलटी। शकुंतला जी बोली, कितनी संस्कारी बहू है हमारी। राशि ज्यों पैर छुई तो आशीर्वाद देते हुए शकुंतला जी बोली, अरे बहू कल बताई थी ना, आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने क्या क्या सोचा है बनाने को। राशि बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या बोले वो सासू माँ से। उसने दो पल रुक कर बोला, मम्मी आप बता दीजिए वही बना दूंगी। शकुंतला जी ने शुरू किया खाने का मेन्यू बताना। सब्जी में दम आलू, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद, और मीठे में तुम चाहो तो खीर बना लो या रहने दो, मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला देंगे, बहुत सारा रखा हुआ है जी। राशि इतना सब सुनकर चौंक गई, फिर सोची, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है, इतने लोगों के खाना बनाने के लिए कम से कम दोनों ननद में से एक भी साथ रहेगी तो झटपट सब हो जाएगा। राशि किचन में गई और सारे सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। राशि सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वो इतना कुछ बनाएगी। राशि अभी सोच ही रही थी कि कैसे किसी को आवाज़ दूँ, तभी राशि की ननद भावना किचन में आ गई। भाभी क्या खोज रही हो आप? वो खाना बनाना है ना, तो वही सारा सामान ढूंढ रही। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि अभी आप नई हैं ना, भावना मुस्कुराते हुए बोली और झट से सारा सामान उसने 2 मिनट में रैक पर रख दिया। क्या क्या बनना है? राशि ने बताया। उसकी ननद ने तुरंत सारे सामान इकट्ठा कर निकाल दिया और किचन से चलती बनी। हर कुछ मिनटों पर राशि की दोनों ननद आकर किचन के दरवाजे से पूछती, अरे भाभी कोई काम हो तो बताइए। राशि के बिन जवाब सुने मुस्कुराकर चल देती। राशि मन में सोचती कि कैसा परिवार है, अगर इन लोगों को मेरी मदद ही करनी होती तो बिन पूछे ही मिलकर काम करा देती, लेकिन इन लोगों को तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। करते करते राशि लगभग सारे खाने बना चुकी थी, बस पूरी बेलने को था। तभी घर पर पतिदेव व्योम आ गया और राशि को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनों से बोले, अरे कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाई की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक सुर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली है जो कोई काम ही नहीं कराती। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली? ये सब सुन राशि दुखी हो गई कि कैसी बहनें हैं जो भाई के आगे भी मुकर गई। सबको अब बस खाना खाने की बारी थी और राशि की दोनों ननद सबको सर्व करती गईं। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे और इधर राशि किचन में खड़ी खड़ी बिल्कुल थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की इच्छा थी, लेकिन कहाँ आसान था ये सब ससुराल में। उन्हें बीच बीच में कभी मासी चाची, कभी कोई आ ही जाता और उन्हीं बीच में सबका पैर छूना, सब कुछ एक आज़ाद घर की लड़की के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार किसी तरह वक्त बीतता गया। सासू माँ बड़ी खुश कि उनकी बहू की तारीफ हुई, लेकिन बहू की स्थिति का अंदाज़ा महज सिर्फ और सिर्फ राशि ही लगा सकती थी कि वह कितनी थक चुकी है। इस समय राशि को बिस्तर की याद आ रही थी। सासू माँ ने राशि को 501 थमाते हुए बोला, तुम्हारा नेक बहू। राशि को लगा कि जैसे महाराजिन को घर पर पैसे मम्मी दिया करती थी, आज ठीक वैसे ही उसे उसकी सास ने उसे दे दिया। सबके जाने के बाद राशि थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर पड़ते उसके आंखों में आंसू छलक गए। कैसा परिवार है! फ़ोन उठाकर देखी तो घर से 6 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। उसने फ़ोन मिलाकर बात किया, सबका हाल चाल लेकर रख दी।
राशि समझ चुकी थी जिंदगी की असली राह ससुराल है, जहाँ हजारों लोग के होते हुए भी अकेली हूँ। सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही ना चला। अब राशि की हर सुबह इन्हीं सब में कब बीत जाता उसे महसूस भी ना होता। ऊपर से शकुंतला जी हर बात पर ये कहती, घर अब सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। राशि बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता तभी राशि की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पति देव का ऑफिस, ननद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज़ राशि अपने परिवार के लिए जल्दी उठती और अपने कार्य में जुट जाती। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है, ये तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती हो और परिश्रम पर बंद। यही तो है महिलाओं का काम, जो मर्द प्रधान को बहुत ही आसान लगता है, मगर कभी निभा कर तो देखिए जनाब, एक दिन में ही एक महिला का परिश्रम समझ में आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल को झाड़ना पोछना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन खरीदने की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना और उसे सुखाने के लिए छत तक की दौड़, यही तो है अब राशि की जिंदगी का हिस्सा। वक्त की सुई अपने हिसाब से दौड़ लगा रही थी। वही राशि की शादी को देखते देखते एक साल गुजर गए। उन्हीं बीच घर में एक साथ दो खुशियाँ आईं, पहली राशि प्रेग्नेंट थी तो दूसरी भावना की शादी। राशि को लगा शायद अब तो आराम कुछ दिन कर ही लूँगी, मगर उन्हीं बीच घर में भावना की शादी पड़ने से राशि के लिए पूरा दिन ही बिल्कुल हैट्रिक हो जाता है। लेकिन कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम नहीं देता। शकुंतला जी ने भी राशि के कामों को कम करने का प्रयास किया। कुछ दिन के लिए बाई और महाराजी लगा ही दिया, लेकिन बिन महिला आंगन सूना है। वाकई ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। राशि पर दिन भर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी। घर की बड़ी बहू जो ठहरी, वक्त बीता और भावना की शादी भी किसी तरह राशि ने बिता ही डाला। वक्त भी अपनी रफ्तार पकड़े दौड़ रहा था। कुछ ही महीनों में राशि का माह पूरा होने को हो ही गया और उसकी डिलीवरी भी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है, राशि ये सुनकर उदास हो गई कि मम्मी जी को तो चिराग चाहिए था। बेटी की आने की खुशी जहाँ एक और सबको थी, वहीं शकुंतला जी को बिल्कुल नहीं। वक्त बीता और शकुंतला जी का गुस्सा भी बदला। आखिर उन्होंने एक हफ्ते बाद अपनी लक्ष्मी को स्वीकार ही लिया, वो भी ये बोलते हुए कि जल्दी अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया लेती आए। सभी उनकी ये बात सुनकर खिलखिला दिए, मगर राशि सिर्फ मुस्कुराकर मम्मी जी को वो फरमाइश सुन रही थी जो उसके हाथों में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में होती है। बेटा बेटी तो एक स्वरूप है, ना तो बेटी कम है ना बेटा कम है। शकुंतला जी ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी भावना, अंकिता, व्योम, ये इन दो नालायकों से कम है क्या? अरे बहू, अच्छा हुआ नालायक जन्म ना लिया हो, वरना ये तीन मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए जी, पोती होने का घमंड ज़्यादा ना करो, पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है, सासू माँ ससुर जी से ठुनकते मिजाज में बोली और पोती का नाम झट से रख दिया गौरी। गौरी 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 ये गूंज रहती हर जगह, घर के हर कोनों से। समय के साथ गौरी बड़ी होती गई और मेरी आफतें बढ़ती गईं। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जिसका ख्याल जायद से ज़्यादा मेरे ऊपर ही डिपेंड था। गौरी को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल था। गौरी की पूजा पाठ पे भी सब कुछ मुझे ही तो निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते मैं भी थक सी रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे की कड़ी ये है जिसे मैं निभाई जा रही मगर निभी नहीं रही। काश घर के किसी कोने से मेरे लिए पुकार आए कि बहू तुम भी आराम कर लो, ना नींद पूरी होती है ना गौरी की भूख। पूरे दिन जागना, रात रात भर गौरी को जागना, उसके पीछे मुझे भी जागना, उसके बाद सुबह के काम, परिवार, कितना मुश्किल का सफ़र है लड़कियों का, फिर भी सबको उसमें कमी दिख ही जाती है। वक्त के साथ गौरी भी बड़ी होने लगी और मैं बिल्कुल निसहाय।
जहाँ एक और बाकी घर वाले चैन की नींद सोते होते, वहीं राशि ने तो नींद पूरी ले पाती ना ही आराम। उसके पूरे दिन की भूमिका महज कमरे से किचन, किचन से कमरा हो गया था। कभी राशि जब किचन में खाना बनाती रहती, तभी गौरी सोकर उठ जाती और उसे ना पाकर रोने लगती। जो राशि किचन को जैसा तैसा छोड़ गैस को कम कर कमरे में गौरी के पास भागती, त्यों ही उसे ध्यान आ जाता कि गैस बंद करना था और वो गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक गौरी सोती रहती, राशि खटाखट अपने कामों को निपटाने में जुटी रहती। लेकिन कहाँ इतना आसान होता है अकेले सुपर वूमेन बनना। वक्त बीतता गया, गौरी भी समय के साथ बड़ी हो गई। राशि की परेशानियां थोड़ी कम नहीं बल्कि और दिन पर दिन बढ़ती गई। गौरी के पसंद का लंच बनाना, उसकी पसंद को ध्यान देना, उसकी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करना, जैसे राशि ही तो काम हो। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते। शादी के बाद भावना अक्सर यहीं पड़ी रहती, दो दो तीन तीन महीने। उस पर भी कभी कोई ये नहीं सोचता कि भाभी भी थक जाती होगी, बल्कि भावना ये जरूर गौरी से कहती, तुम्हारी मम्मा सुपर वूमेन है। गौरी खिलखिला पड़ती, व्यम उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, या मैं भी थक जाती हूँ, या मुझे भी आराम की ज़रूरत है। बल्कि उल्टा कहते फिरते, ओफो राशि, तुम हर काम में निहायत ही ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज़्यादा सुस्त हो क्या गया है तुम्हें? एक समय तुम हर काम में एक्टिव रहती, आज तुम बिल्कुल सुस्त होते जा रही। व्योम ने पोछे की बाल्टी को पांव से धकेलते हुए बाहर निकालते हुए कहा, अच्छा आज मुझे देर होगा आने में, तुम गौरी को स्कूल से लेती आना। राशि सोचने लगी, क्या गौरी सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी है? व्योम अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को सौंप सकते हैं। लेकिन राशि ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब राशि की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें बीच शकुंतला जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। अब क्या हुआ सोने पर सुहागा, राशि के लिए अब एक और आफत बढ़ गई। शकुंतला जी की मालिश और रोज हर काम से खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाती, यही सब करते कराते राशि की शादी को अब तक 9 साल गुजर गए। लेकिन राशि ने कभी उफ भी ना की। हर कोई उसे सुनाकर निकल जाता, लेकिन राशि चुपचाप सुनती रहती। एक रोज उसने व्योम से इस बात पे बात करने की कोशिश भी की, तो व्योम ने उल्टा जवाब दिया, तो कौन करेगा ये सब माँ? अरे जब उन्हें ही करना था तो शादी ही क्यों करती? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है बोलो, मैं तुम्हें दिला दूँ। राशि ने व्योम से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो समझ चुकी थी अब उसकी ज़िंदगी इन्हीं बंधनों में बंध चुकी है। राशि एक रोज खुद को बिल्कुल बीमार महसूस कर रही थी। उसने सब काम निपटा, गौरी को सुलाकर अपने घर अपनी बहन से बात करने लगी। बात ही बात में राशि फूट फूट कर रोने लगी। ये देख उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिया, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। राशि जानती थी इतना आसान नहीं इस घर से निकलना। एक रोज फिर उसने व्योम से कहा, व्योम मैं थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। व्योम ने शकुंतला जी की तरह ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें, करती ही क्या हो जो रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। राशि शादी के 10 साल गुजर गए व्योम, मगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूँ। राशि ने व्योम से कहा, हाँ वैसे भी आप कहाँ से जानेंगे ये सब, जब करना पड़े तब समझ आता है कि मैं करती क्या हूँ। राशि ने तय कर लिया, आज जो भी हो जाए वो व्योम को समझा के रहेगी कि वो करती क्या है इन 10 सालों में। तो सुनिए व्योम, आपकी बीबी करती क्या है? जब पूरा घर सोता है तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। घर के नाश्ता पानी से लेकर खाना पीना तक, इतना ही नहीं सबकी फरमाइश को भी पूरा करती है। गौरी को स्कूल से लाना छोड़ना, घर पे उसके होमवर्क पूरा कराना और सासू माँ की मालिश। और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है? नहीं पता, जानिए वो भी क्या होता है उसके बाद। उसके बाद जिस वक्त आप उल्हाना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डिब्बा और रोज की तरह ये याद दिलाना, गौरी को आप लाएंगे या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ कार पता है क्या होता है? टेबल पर पड़ा
फड़फड़ाता अखबार जिसके ऊपर चाय कप रखा होता है, बाथरूम में पड़े आपके और गौरी के गीले चड्ढी बनियाइन और ठीक से बंद न किया हुआ नल जिसकी टोटी से बूंद बूंद गिरता पानी, बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया और हेयर ऑयल का ढक्कन खुला हुआ बोतल फेंका रहता है जिससे ना जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में घंटों मेहनत लगती है। अलमारी से निकाली हुई 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट जिनमें से एक जोड़ा ही आप पहन कर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर ही फेंक निकल जाते हैं। गौरी के द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी जिस पर गौरी के पसंद के कार्टून नेटवर्क चलता रहता है, और मैं राशि आपकी पत्नी जिसे ये सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही इन 10 सालों से, जिसे आज तक किसी को ना दिखा। कभी सोचा आपने कि कैसे ये घर हर दम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा, क्यों सोचिएगा, ये तो औरतों का काम है ना, बोल दीजिए। राशि की आंखें इतना सब कुछ बोलते बोलते गला भराया और आंखें छलक पड़ी। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटों की मेहनत कर आपके घर को चमकाती हूँ, सबके जूतों के बने निशानों पर घंटों पोछा लगाकर पोछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है? हर सुबह फ्रिज को साफ करना व दूध दही और बाकी घर के बाकी राशन को देखते रहना, उनकी लिस्ट तैयार करना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई पैसे को जोड़ना कितना किसमें लगा क्या बचा, उसमें गौरी की पढ़ाई को भी ध्यान देना। कभी सोचा आपने, या आपके परिवार ने हर दिन अलग अलग फरमाइश का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कैसे बदलता है, मेज को खाने से अकेले कैसे सजाती है? राशि नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपके सारे कार्य जो बने बनाए हैं, खुद को कहा कुछ करना है, ओहो करते तो हैं एक बहुत बड़ा काम, आप सभी मिलकर मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में कमी निकालने का काम। बस व्योम, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ, व्योम ने राशि की बात को काटते हुए कहा। तो घर कौन देखेगा? हमारे सारे काम, टाइम पर नाश्ता खाना, गौरी का स्कूल भी तो छूट जाएगा, मैं अकेले जाऊँगी व्योम, गौरी यहीं रहेगी, उतनी छोटी बच्ची कौन संभालेगा? क्यों, गौरी आपकी बेटी नहीं या इस परिवार की बेटी नहीं? देखिए व्योम, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, आप माँ से बात कर लीजिए, रही बात गौरी की तो मैं उसे साथ लिए जाऊँगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। व्योम इतना सब कुछ शांत होकर सुनता रहा और उसने सुबह होते ही राशि से माफ़ी मांगी, मगर राशि भी अडिग रही, व्योम की बातों में इस बार वो जरा भी ना पिघली। माँ माँ, हाँ बोल व्योम, से शकुंतला जी ने पूछा। अरे माँ, राशि कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। अरे क्यों अचानक से, राशि यहाँ कौन देखेगा? अरे माँ, राशि से क्या पूछ रही हो, अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है, व्योम ने माँ को टोकते हुए कहा। राशि किचन में खड़ी हो मुस्कुरा रही थी, एक लंबे अरसे के बाद राशि अपने घर जाने वाली थी, बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने व्योम से पूछा, अरे ठीक है तो कब तक आना है? राशि बहू, कल चली जाओ और एक दिन रहकर आ जाना। राशि ये सुनते उदास हो उठी, लेकिन मन ही मन में ये सोचने लगी कि आप पहले जाने तो दीजिए, मैं जल्दी आऊँगी ही नहीं, मम्मी कुछ दिन आप लोग भी जानिए कि राशि इस घर की क्या है। व्योम के आग्रह करने पर और ससुर जी ने सुनते ही कह दिया, अरे जाने दीजिए ना शकुंतला जी, बहू भी तो एक जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। अजी आप भी बहुत खूब हैं, मैंने मना कब किया, बस बहू जल्दी ही आ जाए वरना घर कौन देखेगा। क्या बात करती हैं आप शकुंतला जी, बहू के पहले इस घर की बहू आप भी तो रही हैं और अपने घर को बखूबी संभाला है, इतना क्या रोक टोक बहू, तू अपना सामान पैक कर ले, कल ही व्योम तुझे पहुंचाएगा। जी पापा, राशि ने जवाब दिया। राशि आज बहुत खुश थी कि कितने सालों के बाद अपने घर के दहलीज पर कदम रखेगी, खुलकर हंसेगी, बोलेगी, सोएगी, सांस लेगी। राशि ने रात में ही चना भिगो दिया और सुबह उठते ही चने की दाल का भरवा पराठा, खीर, आलू टमाटर की सब्जी बना दी, सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई।
भावना ने राशि को इतना खुश होते देख पूछा, अरे भाभी आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है क्या? हाँ, मैं अभी घर निकल रही, अपने कितने सालों बाद, अरे अचानक नहीं, कल मम्मी जी से पूछी तब जा रही हूँ। हाँ, भावना ने दुखी मन से कहा, कब आएंगी आप? देखिए दो दिन रुक कर। भावना खुश हो गई, राशि भावना की भावनाएं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी पति देव ने आवाज़ लगाया, अरे राशि निकलो भाई, देर हो रहा है। जी आई, राशि ने शकुंतला जी का चरण स्पर्श किया और पापा जी को तो शकुंतला जी ने तुरंत कहा, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिन ये घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, राशि ने जवाब दिया। इधर राशि अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गई और सबसे सालों बाद बहुत खुश हुई। व्योम के जाते राशि बहुत खुश हुई और फिर क्या, शाम के खाने पर उसने इन 10 सालों की कहानी 10 मिनट में भी ना लगाते हुए सुनाने लगी। सभी चकित रह गए, इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। राशि ने 2 दिन रहकर जाना चाहा, रुकना तो वो भी चाहती थी, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी में फ़ोन करके पूछा कि कुछ दिन और रुक जाऊँ। अब बेचारे पति देव व्योम शांत थे, ठीक है रह जाओ, लेकिन घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है राशि इन दिनों। अरे ऐसे कैसे, आप सब तो वहीं हैं, मैं नहीं हूँ तो क्या बिगड़ रहा है, घर पे सब ठीक है? व्योम ने दबे मन से कह दिया, हाँ ठीक है, बाद में बात करती हूँ। राशि इन दिनों इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सब ने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम निकला। डॉक्टर ने आराम को लिखा और खूब खाने को कहा। राशि बताने लगी, वहाँ तुम्हें पानी तक सही से पी नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोल उसकी आंखें छलक गई। करते कहते राशि 1 हफ्ते किसी तरह अपने घर रुक रही। एक दिन राशि को लेने उसके घर से व्योम और देवर जी आ गए। अब तो राशि चाह कर भी रुक ना सकी, दबे मन से वापस अपने ससुराल आ गई। इधर जब वह ससुराल आई तो उसने देखा पूरा घर अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। किचन में उसकी छोटी ननद अंकिता खाना बना रही थी और शकुंतला जी लगातार उसकी मदद कर रही थी। राशि ने चुपचाप अपने कमरे से ये सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह राशि जल्द न उठी और उसे किचन से भावना के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। अरे जब भाभी गई तो ठीक ठाक थी, वहाँ जाते ही बीमार पड़ गई। तभी ससुर जी टोकते हुए बोले, क्यों वो इंसान नहीं है? 365 दिन तो इस घर में राशि ही दिखती है हर जगह, बीमार है तो आराम कर लेने दो कुछ दिन। भावना चुप हो गई और शकुंतला जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का ये स्वरूप राशि को सुकून दे रहा था कि तभी पापा जी ने बड़ी जोर से बरामदे में बैठे बैठे कहा, अजी शकुंतला जी जरा पकोड़े तल दीजिए तो मज़ा ही आ जाएगा। शकुंतला जी ने तेज से गुस्साते हुए पापा जी को जवाब दिया, अजी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है और इनको पकौड़े चाहिए, पकौड़े की तरह तलने की मुझे ज़रूरत नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द। अरे भगवान, पकौड़े और आपके पसीने से क्या लेना देना? अच्छा तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, समझ आ जाएगा पकौड़े की कीमत। शकुंतला जी ने पापा जी को जवाब देते हुए कहा। पापा जी जोर से ठहाके लगाते हुए बोले, वाह भाई वाह, 2 रोज खड़े होने पर तुम सब इतनी उफ कर लिए, लेकिन क्या किसी ने राशि बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं, या कभी राशि बहू ने यह कहा किसी से कि खुद की फरमाइश को खुद से पूरा करिए, या कभी बहू ने यह कहा कि मुझे गर्मी लग रही है? बल्कि सदैव उसे सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते देखा है, कभी भी उसे किसी के ताना मारते बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसे किसी की बुराई करते पाया। सदा जी जी में सर हिलाने वाली बहू सबको नहीं मिलती। शकुंतला जी, आज आपकी बेटियां किचन में खड़ी हो गई तो आपको समझ आया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में अब मिलकर कार्य करें तो बहू भी भला क्यों बीमार हो? राशि ये सब अपने कमरे से सुन रही थी, उसकी आंखें भर उठी। तब शकुंतला जी ने यह तय किया कि आज से सभी लोग मिलकर कार्य को निपटाएंगे ताकि बहू पर बोझ ना बनना रहे। राशि ने उसी दिन पापा जी के पसंद के पकौड़े तल उन्हें खिलाया। उस दिन से सभी को समझ आ गया कि राशि भी इस घर का वो हिस्सा है जिसने पूरे घर को संभाल रखा है। राशि जैसी अनगिनत बहुएं इस मकर जाल में
पिसती रहती हैं, मगर राशि जैसी बहू मिलना सबके नसीब में नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।